हे गाइस, आज मैं आपको घर पे पेडीक्योर कैसे कर सकते हैं बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और नॉर्मली घर पे आप पेडीक्योर कैसे कर सकते हैं देखते रहिए। तो आपको चाहिए गर्म पानी जितना आप सह सको, और उसमें डालेंगे हम नमक 2 चम्मच जितना नमक डालेंगे, और शैम्पू डालेंगे। आप कोई भी शैम्पू डाल सकते हो, जो भी आप हेयर वॉश करने के लिए रखते हो तो आप कोई भी शैम्पू डाल सकते हो उसमें। और पेडीक्योर करने से पहले हमको अपने नेल पेंट जो हैं वो रिमूव कर लेने होंगे, और नेल को फाइल कर लेना होगा, क्योंकि पेडीक्योर करने के बाद जो हमारे नेल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो आप फाइल करने जाओगे तो वो ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो चुके होते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो उससे पहले हमें अपने नेल्स पॉलिश को रिमूव कर लेना है और नेल्स को फाइल कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं अपने नेल्स को रिमूव करके नेल फाइल कर रही हूँ। नेल फाइल करने के बाद मैं पेडिक्योर करने का प्रोसेस आपको बताऊंगी। अगर आपको नेल कट करने हैं तो आप कट कर सकते हैं, मुझे नहीं करना था इसलिए मैंने नहीं किया है, और उसके बाद नेल फाइल कीजिए। तो दोस्तों, नेल फाइल करने का पहले हमारा एक फ़ायदा और भी हो जाएगा, जो एक्सेस निकलता है नेल फाइल करने के बाद, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं जो नाखून में रह जाते हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे जब आप नेल फाइल पहले कर लोगे और पेडीक्योर बाद में करोगे। तो ये हमारा नेल फाइल हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे एक नींबू। नींबू में दोस्तों पाया जाता है नेचुरली ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमारी स्किन को नेचुरली वाइटन करता है, और जो हमारे डेड स्किन हैं, टैन हैं, उसको रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो हम नींबू का रस डाल लेंगे, उसके बाद हम कोई भी लूफा ले लेंगे और उससे अपने पैरों पे रब करेंगे पानी में डाल के, और पानी डालते जाएंगे और रब करते जाएंगे। अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं तो आप प्यूमिक स्टोन भी यूज़ कर सकते हो, प्यूमिक स्टोन से आप अपनी एड़ियों को साफ़ कर सकते हो। मेरी साफ़ है तो मैं नहीं कर रही हूँ, तो आपकी जैसे हो आप कर सकते हो। अगर आपको प्यूमिक स्टोन यूज़ करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप कोई भी लूफा ले लीजिए, उससे अपने पैरों पे ऐसे रब करके साफ़ कर लीजिए। उसके बाद नॉर्मल वाटर से आप धुल दीजिए। धुलने के बाद हम अपने नाखूनों को कैसे साफ करेंगे, तो आप कोई भी कोलगेट ले लीजिए या फिर जो भी टूथपेस्ट आप यूज़ करते हो आप उसको ले लीजिए, और टूथब्रश की सहायता से अपने नेल्स को साफ कर लीजिए अंदर से और बाहर की तरफ से। तो कोलगेट लगा लीजिए, और उसके ऊपर आप अपने स्किन पे भी लगा सकते हो, थोड़ा ऊपर तक जितने में आपका पंजा है आप उतने में लगा सकते हो। इससे क्या होगा, हमारी स्किन जो है वो ब्लीच हो जाएगी। तो नाखून हमने साफ कर लिया है, अब हम अपने डेड स्किन को कैसे निकालेंगे। आप ले लीजिए एक मीठा सोडा खाने वाला, और एक लेमन जूस, लेमन ले लीजिए। लेमन को हम क्विस करते हुए उससे जूस को निकालेंगे, और मीठा सोडा से रब करते हुए अपने पैरों पे राउंड राउंड करके मसाज करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। पाँच से 10 मिनट मसाज करने के बाद हम उसको सिंपली पानी से धुल देंगे, और उसके बाद हम करेंगे स्क्रब। तो स्क्रब मैंने आपको पहले भी DIY में बताया था, नॉर्मल नेचुरली घर पे DIY करके स्क्रब कैसे बना सकते हैं, तो मैंने वैसा बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैंने वैसा स्क्रब बनाया था और मैं उससे स्क्रब कर रही हूँ। पाँच से 10 मिनट हम स्क्रब करेंगे राउंड राउंड करके, से हमारी जो डेड स्किन है वो निकल जाएगी, और साथ ही साथ ग्लो भी आएगा, और जो पैचेस पड़ गए हैं तो
वो भी ठीक हो जाएंगे। तो रब रब करके आपको अच्छे से मसाज कर लेना है। मसाज करने के बाद नॉर्मली हमको पानी से धुल देना है। इसके बाद हम क्रीम अप्लाई करेंगे। तो मैंने धुल दिया है, अब हम करेंगे क्रीम को अप्लाई। तो क्रीम कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्रीम कैसे बनाएंगे। फिर हमारा धुल के हो गया है कंप्लीट, अब हम बनाएंगे क्रीम। क्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल। मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल लिया है। आप अपने पैर की क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे उसमें ऑलिव ऑयल, यानी कि जैतून का तेल। जैतून का तेल दोस्तों हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और उसमें डालेंगे हम विटामिन ई की कैप्सूल, वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। वो ग्लोइंग बनाती है और टैन फ्री बनाती है। तो इन तीनों को हम कर लेंगे मिक्स। इसके बाद हमें कोई भी मॉइस्चराइजर की या किसी भी क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसको मिक्स करने के बाद कर लेंगे अप्लाई। इसे हमारा क्या होगा, आप बॉडी पॉलिशिंग करवाने जाते हो तो इससे हमारी बॉडी पॉलिशिंग भी हो जाएगी, स्किन ग्लोइंग भी बनेगी और हमारा पेडिक्योर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया है मिक्स, अब हम इसको लगाएंगे। आपको नॉर्मली जैसे मॉइस्चराइजर लगाते हो उसे लेके मसाज करना है 5 से 10 मिनट के लिए। दोस्तों अगर किसी की शादी होने वाली है और वो पार्लर में जाकर पेडिक्योर नहीं करवाना चाहते हैं तो नॉर्मली आप ऐसे ही घर में पेडिक्योर कर लीजिए। सच में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, बहुत ही अच्छा फायदा होता है। ऐसे पेडिक्योर करने से आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग बनती है, सॉफ्ट बनती है। और पेडिक्योर करना चाहिए, इससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और पैर अपने आप ही स्मूथ और शाइनी हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्लो आ रहा है ये वाला मॉइस्चराइजर या फिर आप वो क्रीम जो भी बोले। इसके बाद हम कर लेंगे नेल पॉलिश, लगा लेंगे और हमारा पेडिक्योर डन हो गया है। अभी आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। Thanks for watching.